जवाहर कला केंद्र में चल रहे 4 दिवसीय शास्त्रीय संगीत समारोह का शानदार प्रस्तुतियों के साथ समापन हो गया। जेके के रंगायन सभागार में आयोजित कार्यक्रम के अंतिम दिन जयपुर के जाकिर हुसैन ने बांसुरी पर अपनी प्रस्तुतियां दी। वहीं किराना घराना से ताल्लुक रखने वाली अजमेर की मधुरा वैद्य ने राग मारू बिहाग गाकर दर्शकों का दिल जीता। इसके बाद विलंबित ख्याल इकताल में रसिया हो न जा मध्य लय 3 ताल में बंदिश रात के अलसाए पिहरवा द्रुत 3 ताल में काहू के मन को लुभावन जात है गाकर उन्होंने महफिल कार्यक्रम में समा बांधा। आपको बता दें मधुरा ने अपने पिता पंडित आनंद वैद्य से गायन की बारीकियां सीखी हैं। वहीं मोहित कथक ने तबले की ओर जयपुर घराने की नृत्यांगना प्रगति पाठक ने शिव पंचाचर स्रोत से कथक प्रस्तुति शुरू कर माहौल को शिवमय कर दिया। से जो जवाहर कला केंद्र द्वारा आयोजित प्रोग्राम चल रहा है ये सारे यंग आर्टिस्ट के लिए बहुत अच्छा है। मतलब हम जैसे के लिए जिन्हें जिनको एक स्टेज मिलता है और बढ़ावा मिलता है, कॉन्फिडेंस आता है स्टेज पे परफॉर्म करने का। तो मैं धन्यवाद करती हूँ जवाहर कला केंद्र को कि उन्होंने मुझे मौका दिया। और मेरा नाम मधुरा वैद्य है। मेरे पापा ही गाना सिखाते, तो मुझे याद नहीं है कितने सालों से मैं गाना सीख रही हूँ, पर हाँ ये है कि बचपन से ही हमारे घर में म्यूज़िक का माहौल था तो खून में ही है। तो सीखते सीखते अभी मैं मेरा फर्स्ट परफॉर्मेंस था तो मैंने कोशिश करी है। होप कि आप सबको बहुत पसंद आएगा। थैंक यू। आप क्या क्या आपकी प्रस्तुति में क्या मेरी प्रस्तुति में मैंने राग मारू बिहाग गाया, उसमें विलंबित 1 ताल में मैंने रसिया होना जा बड़ा ख्याल गाया, फिर मध्य लय 3 ताल में मैंने रात के अलसाए पिहरवा जो पंडित राजन साजन मिश्र जी की बंदिश है वो गाई, और द्रुत 3 ताल में मैंने काहू के मन को लुभावन ये बंदिश गाई।